ओम शांति। बाबा, अंतिम समय का दृश्य तथा उस समय हम बच्चों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में विशेष अव्यक्त वाणियों में अनेक इशारे देते हैं। बाबा 21 फरवरी 1985 को बोले थे, चारों तरफ आग होगी, एक तरफ विनाश की, दूसरी तरफ विकारों की, तीसरी तरफ देह और देह के संबंधों की, पदार्थों के लगावों की आग, चौथी तरफ पश्चाताप की आग, शरीर का भान निकालते जाओ, अशरीरी बनने का लंबे समय का अभ्यास करो, स्वयं को सदा मेहमान समझो, तो व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त रहेंगे, बहुत समय से न्यारापन नहीं रहेगा, तो यह शरीर का भान पश्चाताप में लाएगा, देह और देही बिल्कुल अलग अलग महसूस हों, सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की याद में रहने वाले हिम्मतवान बच्चों को ही बाप की मदद मिलेगी। ऐसे ही बाबा 14 सितंबर 1975 को बोले, प्रकृति के विकराल रूप में प्रकृति के सभी तत्व एक साथ अचानक वार करेंगे, किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन विकराल रूप में बचाव के काम में काम के नहीं रहेंगे। ऐसे समय पर सामना करने के लिए अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होना है। प्रकृति के विकराल रूप में प्रकृति के सभी तत्व एक साथ एक समय पर अचानक वार करेंगे तो क्या करेंगे, किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन विकराल रूप में बचाव के काम के नहीं रहेंगे। ऐसे समय पर सामना करने के लिए अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होना है। आगे चलकर प्राकृतिक प्रकोपों के कारण पानी की बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी, अनाज खाने योग्य नहीं रहेगा। अगर योगयुक्त हैं तो साथ वाले स्थान पर नुकसान होगा, पानी आ जावेगा, परंतु बाप द्वारा निमित्त बने स्थान सेफ रहेंगे। यदि अपनी गफलत नहीं होगी, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा, तो शक्तियां प्रकृति को दासी जरूर बना देंगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त वाणी 13 सितंबर 1974 के हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा था, फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ विकारों का अति विकराल रूप, तीसरी तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, भक्त आत्माओं की पुकार, चौथी तरफ पुराने संस्कारों का वार। किसी के पास ये संस्कार कर्म भोग के रूप में आएंगे, तो किसी के पास व्यर्थ संकल्पों के रूप में, किसी के पास कर्म बंधन के रूप में, तो किसी के पास अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे हलचल के समय फुल स्टॉप लगाने की शक्ति चाहिए।
देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, प्रकृति की हलचल देख प्रकृतिपति बन, प्रकृति को शांत करो, अभ्यास करो अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, तीनों स्टेज में स्थित होना सहज हो, तब कहेंगे एवर रेडी। ये विशेष महावाक्य बाप दादा ने 24 दिसंबर 1979 को सुनाए थे। ऐसे ही 21 फरवरी 1985 को बाबा ने इशारा दिया था जैसा समय वैसी स्थिति बनाने के लिए। समेटने की शक्ति आवश्यक है, देह अभिमान के संकल्प को समेटने का अभ्यास चाहिए। उस समय शरीर और शरीर के सर्व संपर्क संपर्क की वस्तुओं को भी समेटना है। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया की गया, शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क किसी भी संकल्प का विस्तार नीचे न ला सके। ये विशेष महावाक्य 21 फरवरी 1985 के हैं। आगे बाबा समझाते बहुत काल की बंधन मुक्त स्थिति, निर्विकर्म निर्विकारी निरंकारी बनाएगी, समय आने पर सब साधनों से भी परे साधना के सिद्धि स्वरूप में अनुभव करेंगे। ये महावाक्य बाप दादा ने 18 जनवरी 1987 को सुनाए थे। आगे बाबा कहते अचानक लास्ट पेपर होगा, अगर अभी से नष्टो मोहा है, मेरा मेरा समाप्त है, तो फिर मुश्किल नहीं है। निश्चय बुद्धि को निश्चय होता कि हम ही विजयी हैं, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में मदद देगा। ये विशेष महावाक्य 15 नवंबर 1989 को अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों को सुनाए थे। ऐसे ही अव्यक्त वाणी 1 मार्च 1990 को बाप दादा ने इशारा दिया, जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां हलचल जरूर होगी, फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं, फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। अच्छा, ऐसे और विशेष अव्यक्त वाणियों से अंत समय के लिए बाबा के इशारे सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों तक शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।